आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। श्री राम दल समिति के द्वारा रावण दहन का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शनिवार 12 अक्टूबर 2024 को रावण दहन का आयोजन मिशन उच्चतर माध्यमिक शाला के मैदान में किया गया। मिशन उच्चतर माध्यमिक शाला अपने अंदर एक गौरवशाली अतीत को सहेजे हुए आपको पार्श्व में दिखाई दे रही होगी। मिशन उच्चतर माध्यमिक शाला अंग्रेजों के ज़माने की ये शाला, और यहाँ पर अभी हम आपको दिखाते हैं जो बाहर से आए कलाकारों के द्वारा दी गई प्रस्तुति, किस तरह से उनके द्वारा प्रस्तुति दी गई। स्वस्ति श्री राम दल समिति के द्वारा अनेक अनुकरणीय कार्य किए जा रहे हैं। ग्रीष्म काल में ठंडे पानी की मशीनें उनके द्वारा लगाई जाती हैं। मोक्ष धाम का कायाकल्प श्री राम दल समिति के द्वारा किया गया है। इसके अलावा एक शव वाहन की व्यवस्था भी श्री राम दल समिति के द्वारा की गई, और इस तरीके के अनेक कार्य भी श्री राम दल समिति के द्वारा किए जाते हैं। दशहरा उत्सव दशानंद जो आपके हमारे समाज में हर जगह जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों को दशहरे के दिन प्रतीकात्मक तौर पर रावण का दहन किया जाता है। दरअसल उसके पीछे भावना यही होती है कि हम अपने अंदर की बुराइयों को समाप्त करें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। आज हो रही जो युवा पीढ़ी है, उसे शायद ये नहीं मालूम होगा कि सिवनी के दशहरे का इतिहास क्या है। पिछले 5 दशकों में दशहरा किस तरह से सिवनी में मनता आया है, इस बारे में शायद ही उसे उस पीढ़ी को जानकारी हो। हम आपको आज यहाँ पर दशहरे की जानकारी देते हैं। दरअसल 80 के दशक तक, या ये कहा जाए कि 90 के दशक तक सिवनी में रावण का दहन नगर पालिका परिषद का जो कार्यालय है, उस कार्यालय के मुख्य द्वार पर ही रावण, मेघनाथ आदि के पुतलों का दहन किया जाता था। और इन पुतलों का निर्माण नेहरू रोड पर अर्जनवीस रहते हैं अशोक चौबे, उनके घर के बाजू से सड़क अंदर जाती, बहुत पतली सी गली अंदर जाती है, और वो जाकर काजी मोहल्ले में मिला करती है। उस सड़क पर रावण का पुतले का निर्माण लगभग 1 महीने पहले आरंभ हो जाता था। बांस की टोकरियां ले और बांस की अन्य चीज़ों के जरिए इसका निर्माण किया जाता था रावण का। रावण, मेघनाथ,
सभी के पुतले सिवनी में जो परंपरा रही है, पुरानी परंपरा रही है, जो परंपरा आज प्रौढ़ और बुजुर्ग हो रही पीढ़ी के द्वारा देखी गई है, उस परंपरा के अनुसार सबसे पहले व्यायामशालाएं आती थीं और व्यायामशालाएं नेहरू रोड पर अहिंसा स्तंभ के पास एकत्र होती थीं। व्यायामशालाओं को वहां पर उनकी धुन बजाते हुए बैंड के साथ अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हुए व्यायामशालाओं के जो प्रतिभागी होते थे वे सारे के सारे चला करते थे। उसके बाद सबसे पहले काली माता की प्रतिमा आती थी, काली माता की प्रतिमा के पीछे फिर सारी प्रतिमाएं निकला करती थीं। और ये नेहरू रोड में आकर बड़ी दुकान वाले सिंघानिया जी, हरी सिंघानिया, सेठ हरी सिंघानिया का उस समय में निवास के ठीक सामने से सेंट्रल बैंक वाली गली से ये प्रतिमाएं मुड़कर दुर्गा चौक जाया करती थीं। दुर्गा चौक से ये प्रतिमाएं सारी की सारी जितनी भी प्रतिमाएं होती थीं ये प्रतिमाएं दुर्गा चौक से घूम कर फिर सारी प्रतिमाएं मठ मंदिर के पहले दादू मोहल्ला डेमरी मोहल्ला होते हुए मठ तालाब के बाजू से सीधे छिंदवाड़ा चौक निकला करती थी। छिंदवाड़ा चौक से वापस शंकर मड़िया, महावीर मड़िया, शंकर मड़िया होते हुए ये सभी प्रतिमाएं वापस जब लौटा करती थी तो ये वहां से वापसी के समय सरचा होटल के बाजू वाली गली से अंदर घुसकर और उसके बाद जो बुधवारी बाज़ार के मुख्य मार्ग में आती थी और मुख्य मार्ग से ये प्रतिमाएं वापस मालू भवन के ठीक सामने से नगरपालिका की ओर मुड़ जाती थी और नगरपालिका में पहुंचकर अपने अपने गंतव्य की ओर ये रवाना हो जाया करती थी। ये उस समय का रूट चार्ट हुआ करता था। कालांतर में प्रशासनिक दबाव कहा जाए या व्यवस्थाओं में परिवर्तन कहा जाए, आबादी का बढ़ना, बढ़ती आबादी की समस्या कही जाए, दशहरे पर रावण दहन नगरपालिका के सामने से उर्दू स्कूल अभ्यास शाला जो हुआ करती थी थाने के सामने, उसके बाजू वाले मैदान में रावण दहन का कार्यक्रम आरंभ हुआ। अचानक ही कुछ साल पहले एकाएक निर्णय लिया गया कि वहाँ से वो जो मैदान है और मिशन स्कूल का जो मैदान जिस मैदान में वर्तमान में होता है दोनों का आकार लगभग बराबर है। अचानक ही उन्हें उस स्थान से अभ्यासशाला वाले उर्दू स्कूल वाले मैदान से जिसे दशहरा मैदान कहा जाने लगा था वहाँ से इसे लेकर मिशन स्कूल लाया गया। मिशन स्कूल के फुटबॉल ग्राउंड में रावण दहन का कार्यक्रम पिछले कुछ सालों से आरंभ हुआ और उसके बाद रावण दहन का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता आया है। आने वाले समय में इसे अगर शहर के कहीं बाहर बबरिया या लुगरवाड़ा के आसपास स्थानांतरित कर दिया जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ये वो जानकारियां हैं जो आज की युवा पीढ़ी को जिसकी जानकारी होना चाहिए कि किस तरह से दशहरा वैभवशाली हुआ करता था। जब दशहरा पर्व में व्यायामशालाएं और दुर्गा प्रतिमाएं निकला करती थी और उस समय विशेषकर दो तीन जगह की दुर्गा प्रतिमाएं लोग देखने जाया करते थे। एक छोटी पुलिस लाइन की दुर्गा प्रतिमा का अपना अलग स्वरूप होता था, दूसरी दुर्गा प्रतिमा जो बहुत ज़्यादा चर्चाओं में होती थी वो बंगाली समाज की दुर्गा प्रतिमा होती थी जो माधव राव सिंधिया का पुतला मिशन स्कूल के बाजू में उसके ठीक पीछे की तरफ वहाँ पर बंगाली समाज की दुर्गा यहाँ पर विराजती थी। काली माता जो पानी की टंकी के पास काली माता की प्रतिमा होती थी, कुछ ऐसी प्रतिमाएं हैं जो उस समय में बहुत ज़्यादा आकर्षण का केंद्र हुआ करती थी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। 80-90 के दशक तक ये स्थितियां सिवनी की रहीं, उसके बाद
जब से, अच्छा उस समय एक बात और हम आपको यहाँ पर बता दें कि तब दशहरा के पर्व पर जिस तरह से अभी वर्तमान में गरबा होता था, उस तरीके से के नायकर की आर्केस्ट्रा यहाँ पर आती थी, ओपी सिंह की आर्केस्ट्रा मेलोडी में कर्ष आती थी, और उसे देखने के लिए जब दशहरे के पूर्व में ये मेलोडी मेकर्स और आर्केस्ट्रा आती थी, और उस समय की जो सेंट्रल लाइब्रेरी हुआ करती थी, सेंट्रल लाइब्रेरी के सामने वाला जो तिराहा नेहरू रोड से बुधवारी की ओर जाने वाला मार्ग, वहाँ पर ठसा ठस भरा होता था, और मेलोडी मेकर्स या आर्केस्ट्रा वहाँ इस तरह चलती थी। कभी स्टेट बैंक के ठीक सामने मेलोडी मेकर्स और आर्केस्ट्रा हुआ करती थी, पॉलिटेक्निक के अंदर भी मेलोडी मेकर्स और आर्केस्ट्रा को सुनने के लिए हजारों की तादाद में उस समय दर्शक मौजूद रहा करते थे। पर वर्तमान में जब ये गरबा और विकृत स्वरूप गरबे का हुआ, और गरबे का जिस तरह से लोगों ने प्रतिकार किया, उसके बाद इस बार पुरानी परंपरा के अनुसार सिवनी में दुर्गा पंडालों में भीड़ भाड़ देखने को मिली। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। दशानन आपको दिख रहे होंगे, और बारिश, प्रतिकूल मौसम अचानक हुआ, दशहरे की शाम से ही बारिश होना आरंभ हुई, लोगों को लगा कि दशहरा रावण दहन का कार्यक्रम कहीं इस बारिश के विघ्न के चलते कहीं बिगड़ ना जाए। पर रावण दहन के पूर्व ही जिस तरह से बारिश थमी, और एक बार रावण दहन का कार्यक्रम फिर से पुरानी परंपरा के अनुसार उसी तरह से सिवनी में संपन्न हुआ। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। मिशन स्तर माध्यमिक शाला में धू धू कर कर जलता हुआ रावण। दरअसल रावण के रूप में हम अपने अंदर की बुराइयों को जलाते हैं, उनका नाश करते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में खबरें पसंद आ रही हो, तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।